दीपावली व धनतेरस पर्व के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस फोर्स के साथ गोलघर के जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहा, टाउन हॉल, बैंक रोड, विजय चौक, गणेश चौराहा, सिटी मॉल, महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज होते हुए इंदिरा बाल विहार तक पैदल गश्त किया तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था की भी जानकारी दी तथा गोलघर में लोग आसानी से मार्केटिंग कर सकें, इसके लिए गोलघर में फोर व्हीलर के प्रवेश पर 4 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता है त्यौहार का सीजन है और इस समय आज धनतेरस की पूर्व संध्या है, लोग बहुत भारी संख्या में बाहर हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए पूरी पुलिस फोर्स सजग है कि कहीं कोई घटना ना होने पाए अपनी, इसकी वजह से सभी लोगों को फुट पेट्रोलिंग पर उतारा गया है और आप देख रहे हैं जगह नाकेबंदी करके और हम उसमें सतर्क हैं कोई अप्रिय घटना ना घटे। और साथ ही डाइवर्जन भी शहर में लगाए गए, शहर का मेन हार्ट ऑफ द सिटी गोलघर है, उसके चारों तरफ के रास्तों पर डाइवर्जन लगाएगी, फोर व्हीलर्स अगर अंदर ज़्यादा आ जाएंगी तो जगह ज़्यादा गिरती हैं और बहुत ज़्यादा जाम हो सकता है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो गोलघर आए तो जैसे उस तरफ कचहरी चौक की तरफ जाएं तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी कचहरी के ऑफिस में पार्किंग कर सकते हैं या आप नगर निगम में पार्किंग कर सकते हैं। इसी तरह गोलघर की साइड अगर आप काली मंदिर की साइड आते हैं तो पुलिस लाइन वाली लेन में पार्किंग करें और इसी तरह से आप जब इधर गणेश चौक की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ जो सिविल लाइन्स की मेन गलियां हैं या हमारे हरिलाल नगर की तरफ की मेन सड़कें हैं उन पर पार्किंग कर लें और थोड़ा 100-200 मीटर चल के गोलघर का आनंद लें। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि पुलिस का और ट्रैफिक व्यवस्था का सहयोग करें और त्यौहार को बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से परंपरागत तरीके से मनाएं। सर सराफा मार्केट देखा जाए, गंदी बाजार, घंटा घर में ज़्यादा मार्केट है, अलीनगर देखा जाए, अलीनगर में जी बिल्कुल सभी जगह हम लोगों ने व्यापारियों से टाइप किया हुआ है, लोग भी हमारे साथ हैं और एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लाई की गई है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी, सभी जगह पेट्रोलिंग और लगातार चौकसी रखी जा रही है।